पंजाब की सियासी जंग अब थमती नजर आ रही है। पंजाब की कमान कौन संभालेगा इसका फैसला भी हो चुका है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत बनाए गए हैं और इसी के चलते पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने सोमवार को शपथ भी ली और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने आम आदमी को पंजाब की कमान सौंपी है। जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह ने कहा है कि जिसके घर में छत भी नहीं थी उसे आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। इसी के साथ साथ चरणजीत सिंह ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लिया जाए और वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक भी नजर आए। इसी के साथ साथ वह कहते हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान खत्म हो जाएंगे और पंजाब के हर परिवार पे फर्क दिखता नजर आएगा। पंजाब के किसानों को कमजोर वह नहीं होने देंगे, ऐसा चरणजीत कहते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि सभी गरीबों के बिल माफ किए जाएंगे। कैबिनेट में इस फैसले को पास कर दिया गया है, हर किसी का पुराना बिल माफ कर दिया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब के साथ।